हाय गाइस, दिस इज वीवो एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया रेव्स। गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के पेशकश है टीवीएस रेडियो ऑन जो है वो अपने सेगमेंट में, कम्यूटर सेगमेंट में जो है वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाती है। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन इसके आप यहाँ पे देखते हो, जिनमें से स्प्लेंडर है और इसी की टीवीएस की ही आप यहाँ पे स्टार सिटी प्लस वगैरह जो है वो देखते हो, जो फिलहाल डिस्क ब्रेक के साथ में यहाँ पे लॉन्च हुई है। एनीवे, ये बाइक कैसी है इसके बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और तकरीबन इसको 25 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुका है जहाँ से मैं लेके आया हूँ। सो थैंक्स टू जीएस टीवीएस जिन्होंने बाइक प्रोवाइड करी और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इस गाड़ी में ऐसा क्या है या फिर इस बाइक में ऐसा क्या है जो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए? ये मेजरली कम्पीट करती है प्लेटिना के साथ में और 110 सीसी की वो बाइक है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ में एक एडवांटेज ये जुड़ा है कि वो अभी अभी लॉन्च हुई है बिल्कुल सेम प्राइसेस में, ऑलमोस्ट 67-68 के आसपास ABS के साथ में। तो उसके साथ में ABS का एक एडवांटेज है, TVS का कोई भी कम्यूटर सेगमेंट अभी तक जो है वो ABS के टच में नहीं आया है। इनफैक्ट प्लेटिना इज़ द फर्स्ट बाइक है जो 110 सीसी की श्रेणी में आने वाली सबसे पहली ABS बाइक बन चुकी है। तो मेजर एडवांटेज उस तरफ ज़रूर झलकता है, लेकिन हम लोग इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस वजह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो प्लेटिना के अंदर एक्चुअली मिस आउट की गई हैं। तो मेरा नाम है वीवू और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड ट्विटर हैंडल पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस बाइक को एक वॉक अराउंड देते हैं। पहले उससे पहले की फॉब आपको दिखा देता हूं कि इसकी की फॉब कैसी है। बहुत ही बेसिक सी ट्रायंगुलर शेप की इसकी जो है वो यहां पे की फॉब नजर आएगी। टीवीएस की बैजिंग इधर एंड TVS का लोगो उसके पीछे तरफ जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएगा। पहले मैं लगा देता हूँ, जैसे ही लगाऊंगा ना तो यहाँ की LED DRL जल जाएंगी, स्टार्ट पे जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट होंगी। अब मेरे ख्याल में DRL जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई होंगी और इसके अंदर जो है वो हैलोजन लाइट ही दी गई है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये जो है वो हैलोजन ही है और रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो यहाँ पे दी गई है। क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया चारों तरफ, TVS की बैजिंग इधर एंड ये LED DRL से जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा अगर मैं नीचे लेके चलूँ तो ये प्लास्टिक का ही आपको मडगार्ड यहाँ पे देखने को नज़र आएगा। ये देखिए, कम्प्लीटली प्लास्टिक है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई प्रॉब्लम है सच नज़र नहीं आएगी। इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो आपको ये पेट्रल डिस्क ब्रेक देखने को नज़र आएंगी। पेट्रल डिस्क ब्रेक इसमें भी आते हैं और सिटी में भी पेट्रल डिस्क ब्रेक ही आते हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है। वेंटिलेटेड की गई है इसके अंदर और कैलिपर देखने को नज़र आएगा जो कि गोल्डन कलर की एक्चुअली है। एक रिफ्लेक्टर, सर्कुलर रिफ्लेक्टर आपको इस तरफ देखने को नज़र आएगा। ये टायर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, 2.75x18 inches के जो है वो ये अलॉय व्हील्स ऑफर करती है। टायर साइज़ 2.75x18 है एंड 5 spokes यहाँ पर जो है वो अलॉय व्हील्स देखने को आपको नज़र आएंगे। पतले ही हैं क्योंकि कंप्यूटर है, अब आपको माइलेज भी चाहिए। अब मोटे अगर टायर इसके अंदर लगा देंगे तो माइलेज फिगर जो है वो आपको नहीं दे पाएगी। हालांकि अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल से देखोगे तो काफ़ी डार्क थीम इसको दी गई है और ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है वो डार्किश या स्पोर्टिश लुक देने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जिनमें से एक रबर का एलिमेंट यहाँ पे एड ऑन हुआ है। ये रबर का एलिमेंट ना केवल स्वेल मार्क्स बचाएगा बट आपको यहाँ पर एक ग्रिप भी देगा, बचा के रखेगा इसके ऊपर अननेसेसरी के स्क्रैच आने पे। यहाँ पर भी जो है वो बेल्ट ईजिली जो है वो स्क्रैच नहीं डालेगी और आप एक देखोगे कि ये कर्व, काफ़ी कर्वी नेचर इसकी सीट को यहाँ पे दिया गया है। कुशन इसका काफ़ी अच्छा है, आप अगर रेगुलरली 50-60-70 किलोमीटर इस पर चल रहे हो, इनफैक्ट 100 किलोमीटर तक भी मुझे लगता है कि कोई समस्या एटलीस्ट ड्राइवर को यहाँ पर आएगी। पिलियन की सीट्स भी काफ़ी कुशनी है और वहाँ पे भी कोई ऐसा समस्या आपको नहीं नज़र आएगी। अब देखिए, एक चीज़ और है, जब आप थोड़ा सा नीचे चलोगे ना तो यहाँ पर देखोगे ग्राफिक्स, तो TVS की बैजिंग के साथ में ग्राफिक दी गई है। यही इसी थीम की ग्राफिक रेडियोन के साथ में भी यहाँ दी गई है। ETFI यानी कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे अब ऑफर किया गया है एंड फ्यूल इंजेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करूँगा तो फ्यूल पम्प जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी आवाज़ आप सुनना ज़रा। ये कुछ इस तरीके की आवाज़ है, मुझे लगता है कि आई नहीं होगी तो मैं इधर से सुनाता हूँ, माइक थोड़ा पास में रख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ है, फ्यूल पंप जो है वो थोड़ा सा फ्यूल पुश कर देता है इंजन के टूवर्ड्स। और यहाँ अगर आप देखोगे तो क्रोम का काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पहले तो आप यहाँ पे लेग गार्ड ही देखोगे, ये भी क्रोम्ड है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एलिमेंट जो है वो क्रोम का यहाँ पे दिया गया है। हालांकि अभी भी इसकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा इशू ज़रूर मुझे लगेगा, बाकी तो फिट एंड फिनिश काफ़ी सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की क्वालिटी इशू ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगा कि काफ़ी थिकनेस इसकी कम रखी गई है प्लास्टिक की। यहाँ पर भी आप देखोगे जो फिन्स वगैरह हैं वो सारे ब्लैक कलर के हैं, इंजन पूरा ब्लैक कलर का दिया गया है। सिंगल ही आपको यहाँ पर जो है स्पार्क प्लग देखने को नज़र आएगा। ये पूरा जो आउटर शेल है
इंजन का वो गोल्डन कलर से पेंट किया गया है एंड TVS की उसके ऊपर बैजिंग दी गई है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि क्रोम का यूज़ किया गया है एग्जॉस्ट पे, पूरे में क्रोम यूज़ किया गया है। और ये एक्चुअली एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट भी करके रखेगा, इतना ज़्यादा गर्म एक्चुअली ये नहीं रहेगा कंपैरेटिवली इसके नीचे वाले एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फुट पैक्स, देखिए ये काफ़ी रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर भी कोई ऐसा रबर वगैरह यूज़ नहीं किया गया इसके ब्रेक पैडल पे, लेकिन जो पीछे वाला फुट पैक है वो सर्कुलर रखा गया है। मुझे लग रहा है इसको भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए था। एक यहाँ पर जो है वो लेडीज़ यू नो ग्रैब हैंडल इसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है, बट ये मूवेबल नहीं है, ये एडजस्ट नहीं कर सकते आप। यहाँ पर जो है वो एक हुक दिया गया ताकि आप सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे टांग सकें। पीछे अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सामान रखने के लिए आपको स्पेस दी गई है, कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक्चुअली सामान के लिए बहुत सारी बाइक्स में आप देखते हो, बट इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का एलिमेंट ऐड ऑन कर दिया गया है जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से उभर के आ रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर है। साइड प्रोफाइल से यहाँ से मैं ज़रा लेके चलता हूँ आपको। अगर आप इस तरफ से देखोगे तो आपको साड़ी गार्ड देखने को नज़र आएगा, फुट रेस्ट यहाँ पे देखने को नज़र आएगा, आप आराम से यू नो रख सकते हैं। एंड चेन मैकेनिज्म आपको ट्रांसमिशन का पार्ट होते हुए नज़र आएगा, पीछे वाले टायर को घुमाएगा। और यहाँ पर भी अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 3.0x18 और 5 स्पोक के अलॉय व्हील्स पीछे भी आपको यहाँ पर ऑफर करती है। यहाँ पर दोनों ही स्टैंड आपको दिए गए हैं, डुअल एंड सिंगल। और ये जो है वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक सेटअप यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इंजन का पार्ट देखोगे तो ये डुअल टोन दिया गया है बाहर का जो शेल है, जिसकी वजह से एक अच्छा टेक्सचर आपको देखने को यहाँ पे नज़र आएगा। रेडियन की बैचिंग इधर, TVS अगेन इधर, तो वो बिल्कुल ही सिमेट्रिक रखा गया है कि उस साइड से बिल्कुल इस साइड जो है सिमेट्रिक रखा जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चल लेता हूँ और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह दिखाता हूँ। देखो इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख के आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की थोड़ी थोड़ी याद आएगी, उसके भी जो है वो क्लस्टर्स कुछ ऐसे ही हैं एंड काफ़ी कारिश जो है वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखे गए हैं। अगर आप देखोगे TVS की बैजिंग इधर, क्रोम का काफ़ी सारा इस्तेमाल दिया गया है, बट है ये प्लास्टिक ही, प्रॉपर क्रोम नहीं है। इकोनॉमी एंड पावर मीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड ये स्पीडोमीटर आप यहाँ पे देखोगे 140 किलोमीटर तक मार्क्ड है। इधर जो है वो फ्यूल गॉज ऑफर होता हुआ नज़र आएगा डैशबोर्ड के साथ में। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक की फीचर एंड हैंडल बार अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी छोटा सा हैंडल बार है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि काफ़ी वाइड स्प्रेड है या कुछ ऐसा, कंप्यूटर के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ पे रबर का इस्तेमाल किया गया है दोनों ही तरफ। एक मज़े की बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो इसके लिवर्स हैं, क्लच लिवर एंड ब्रेक लिवर, ये दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद आए। क्रोम का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। पास का बटन आपको इधर, लो एंड हाई लाइट्स इधर, टर्न इंडिकेटर एंड ये हॉर्न थोड़ा इसकी पिच मुझे काफ़ी कम लगी, ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे इम्प्रूव की जा सकती थी। राइट साइड में अगर मैं बात करूँ तो लाइट ऑन ऑफ का बटन दिया गया, दैट्स इट। एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट इधर। और अगर आप यहाँ पे रियर व्यू मिरर की बात करें तो इनको सर्कुलर रखा गया है, ये भी क्रोम का पार्ट ही है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, लगेगा यू नो कुछ पावरफुल बाइक आप चला रहे हो उसके यहाँ पे जो है वो स्फेरिकल मिरर्स दिए गए हैं, बट ऐसा नहीं है, मेटलिश पेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इनका कर्व्ड सरफेस एरिया थोड़ा कम लगा मुझे कंपैरेटिवली, अगर ये रेक्टेंगुलर होते तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता, स्टाइल स्टेटमेंट के हिसाब से ये काफ़ी सही है। तो फिलहाल तो चलते हैं इसकी राइड लेके आते हैं और फिर जानते हैं ये बाइक कैसा कर रही है। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग इसे ड्राइव करने जा रहे हैं पहले और उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से बाइक ऑपरेट हो रही है। अब कुछ इस तरीके की फॉब ये मैंने आपको दिखा दी थी, इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे और इग्निशन को करते हैं यहाँ से ऑन। काफ़ी ईजी ऑपरेशन है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। चलते हैं इसको ले कर। देखो इस गाड़ी का मज़ा आपको इसकी आवाज़ सुन के ज़्यादा महसूस होगा, जब आप इस बाइक की आवाज़ या एग्जॉस्ट नोट यहाँ पर सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये रेगुलर 100 सीसी या 110 सीसी की बाइक की आवाज़ है ही नहीं, आपको ये तकरीबन 150 या 160 सीसी की बाइक की आवाज़ लगेगी। और कुछ इस तरीके से इसकी आवाज़ जो है ना वो यहाँ पर TVS वालों ने रखी है, पता नहीं क्या रीज़न है किस लिए रखी है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लगा एक्चुअली TVS का कि उन्होंने आवाज़ में के अंदर थोड़ा सा भारीपन रखा है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी स्पोर्टिश लगती है, ऐसी लगती है कि यहाँ कमाल की बाइक है, थोड़ा सा एवरेज बाइक एक्चुअली नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर जैसी आवाज़ निकालती नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जो है आपको आवाज़ में जो है ना उसमें भारीपन जो है वो काफ़ी उभरता हुआ नज़र आएगा, आपको लगेगा कि आवाज़ जो है वो काफ़ी भारी अब होती चली जा रही है। चलो फिलहाल तो जो है वो मैं इसको सिटी के अंदर चला रहा हूँ, मैं इसको ऑलरेडी हाईवे पे भी चला चुका हूँ तकरीबन 15 किलोमीटर के करीब और 10 किलोमीटर के करीब मैं यहाँ पे सिटी में इसको चला चुका हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
ये हैंडल बार आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, छोटा भले ही हो लेकिन ये काफ़ी सपोर्टिव है एंड काफ़ी एक्यूरेट साइज़ का है, मतलब इससे मुझे कोई भी शिकायत है सच नहीं है। आपके साथ में जो है वो सारे कंट्रोल्स रहते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी कंट्रोल्स आपके होने चाहिए लाइट से रिलेटेड या हॉर्न से रिलेटेड, पास से रिलेटेड सारे बटन्स आपके पास में यहाँ रहते हैं। राइट साइड में भी आपके पास में लाइट्स, इलेक्ट्रिक स्टार्ट के बटन्स यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। अब जिस पोस्चर में एक्चुअली मैं बैठा हूँ ना, ये पोस्चर मेरे को काफ़ी सही लगता है और मुझे लगता है कि इस पोस्चर में कम थकान भी होती है। बिल्कुल अपराइट बैठा हूँ मैं, अब स्ट्रेट बैठा हूँ और 90 डिग्री का एंगल जो है वो कुछ इस तरीके से बना के बैठा हूँ, जिसकी वजह से मुझे थकान इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये रेगुलर हम लोग सीट पे जिस तरीके से बैठते हैं, बेंच पे जिस तरीके से बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का जो है वो यहाँ पर आपको अपराइट पोस्चर देखने को नज़र आने वाला है। अब बात की जाए पीछे के व्यू की, तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, मुझे लगता है कि स्फेरिकल की जगह रेक्टेंगुलर होते तो ज़्यादा बेहतर होता, उनका व्यू कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती, व्यूअरशिप उनको ज़्यादा मिल जाती। यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो चीज़ मुझे देखने को नज़र नहीं आ रही। क्लच की इसकी काफ़ी अच्छी है और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी मुझे इसकी लगी, हालांकि इसके अंदर ABS नहीं आती जो कि सैड पार्ट है। और आप इसके कंपटीशन में केवल एक ही गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर आपको जो है वो यहाँ पर ABS ऑफर होते हैं और वो है प्लैटिना, मैंने इतनी बार बता चुका है। बट ये प्लैटिना से बोल्ड लगती है डिज़ाइन में भी, इंजन भी इसका ऐसा लगेगा कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है प्लैटिना से, जबकि लगभग सेम जो है वो पावर फिगर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करती हुई ये नज़र आएगी। क्या पावर फिगर्स हैं उसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं। देखो ये जो गाड़ी है वो एक सिंगल सिलेंडर की बाइक है, डेली कम्यूटर है और एयर कूल्ड आपको यहाँ पर नज़र आएगी इसके कूलिंग सिस्टम। ये जो इंजन है वो 110 cc का इंजन है और तकरीबन 8 BHP ये प्रोड्यूस करती है, 8.7 Nm का टॉर्क, अच्छा खासा माइलेज आपको ये रेगुलर डे टू डे लाइफ में निकालती हुई नजर आएगी। 55 से तकरीबन 65 का माइलेज आपको यहाँ पर ये ऑफर करेगी। हाईवे पे आप जा रहे हो, लॉन्ग टूर इससे कर रहे हो, तकरीबन चल रहे हो दिन के 300 किलोमीटर के करीब, तो ये बाइक आपको जो है वो यहाँ पर 75 से 80 का भी माइलेज ऑफर करती हुई नज़र आएगी। आप 60-70 की स्पीड जो है वो मेंटेन करो और ईजिली आप यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा माइलेज फिगर आप इस बाइक से देखोगे। अब इंजन की रिफाइनमेंट की ज़रा बात कर लेते हैं। बाइक बहुत रिफाइंड है और इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी 110 सीसी की बाइक्स हैं वो ज़्यादातर आप रिफाइंड ही देखते हो, उनमें ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है कि उनका रिफाइनमेंट लेवल जो है वो कम हो या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिफाइंड काफ़ी रहती हैं इस सेगमेंट की बाइक्स, छोटे इंजन होते हैं, छोटे इंजन में प्रॉब्लम होती नहीं रिफाइंड करने की। TVS भी इनफैक्ट सेम इंजन के साथ में सिटी को यहाँ पर, स्टार सिटी प्लस को यहाँ पर लॉन्च करती है लगभग सेम पावर फिगर्स, बट इसकी जो आवाज़ है इंजन की वो मुझे स्टार सिटी से ज़्यादा बेहतर लगी, प्लैटिना से ज़्यादा बेहतर लगी और आने वाली स्प्लेंडर वगैरह जो है वो उनसे ज़्यादा बेहतर लगी। उसके अंदर थोड़ा सा एक भारीपन है जिसकी वजह से इसको स्वीट नॉइज़ मिलती है, ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छी बाइक एक्चुअली चला रहे हो। यहाँ पर जब भी आप कट्स लोगे, इधर से उधर जो है वो गाड़ी को घुमाओगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। हाई स्पीड पर भी 60-70 की स्पीड पर अगर आप हिल रहे हो कोई समस्या वहाँ पर तब भी आपको नज़र नहीं आ रही। ब्रेकिंग्स की ज़रा बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। ब्रेकिंग जो है वो इसके मुझे काफ़ी अच्छे लगे, डिस्क ब्रेक्स काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको और आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि अच्छा है कि डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन ही लिया जाए, 3000 रुपये फालतू दे के ड्रम ब्रेक्स के साथ में वो मज़ा एक्चुअल में नहीं है। तो बेहतरीन यही होगा कि आप डिस्क ब्रेक वाला जो है वो यहाँ पर ऑप्शन लें। हाँ मुझे जो है शिकायत ज़रूर है इसके हॉर्न से, क्योंकि ये काफ़ी कम पिच का हॉर्न है और अगर आप देखें काफ़ी कम पिच इसके अंदर है, जिस वजह से आपको एक डोमिनेशन नहीं मिलता जब आप आगे वाली बाइक या फिर किसी गाड़ी को जो है वो हॉर्न दे रहे होते हैं। वो आपको समझ लेते हैं कि आप कोई छोटी सी बाइक चला रहे हो या कुछ ऐसे, तो ज़रूरी नहीं समझते आपको यहाँ पर साइड देना। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। देखो सस्पेंशन इसके काफ़ी सही है और स्मूथ हैं काफ़ी, किसी भी पॉट होल से निकलोगे यहाँ पे तो सॉफ्टली आपको कंफर्टेबली जो है वो क्रॉस करवा देगा। बट हाँ अगर आप दो जने बैठे हुए हो तो थोड़ी सी समस्या आप यहाँ पर आएगी। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन जब बैठे हुए थे तब मैंने उनको देखा कि वो शिकायत कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि यार सस्पेंशन पीछे वाले थोड़े से जो है वो, हालांकि है तो वो भी हाइड्रोलिक सस्पेंशन ही, हाइड्रोलिक कम क्या कह सकते हो, कॉयल सस्पेंशन आप यहाँ पर उनको कह सकते हो, वो पीछे दिए गए हैं और कोई मोनोशॉक सस्पेंशन है सच नहीं दिए गए हैं। तो ठीक है उस हिसाब से भी ये डिसेंट कम्फर्ट आपको पीछे वाले यानी कि पिलियन को यहाँ पर ऑफर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा गाइस अब एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पैर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो लेफ्ट और राइट साइड में बिल्कुल ग्रिप उन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर लेग अगर आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही तरफ जो है वो आपको रबर देखने को नज़र आएंगी जो आपको सपोर्ट करेंगे, इरीटेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि लग रही है आपके पैरों पर या कुछ हाई स्पीड्स पर या
ज़्यादा दूर तक अगर आप चल रहे हो तो आपको परेशान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पर भी आपको इनफैक्ट रबर मिलती है ताकि आपकी बेल्ट वगैरह जो है वो ऑल तो लगेगी नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी आपकी बेल्ट वगैरह जो है वो लगेगी नहीं, बट अगर आप 2-4 सेकंड के लिए या 4-5 सेकंड के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो स्टैंडिंग ओवेशन में, तो वो इधर से उधर स्किड नहीं होगा। मान लो आपको फ्यूल पंप के लिए जो है वो जाना है और वहाँ पे आपको फ़ोन यहाँ पर जो है वो स्पेस को यूटिलाइज़ करना है फ़ोन रखने के लिए, आपको गूगल पे करना है, कोई और UPI पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए रख सकते हो कुछ सामान जो आपने एक्चुअली हाथ में पकड़ा हो या आपके पिलियन ने हाथ में पकड़ा हो। तो जी सिटी राइड कुछ ऐसी इस बाइक की, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं राइड कर लेता हूँ और आपको कंक्लूड करके बता देता हूँ इसी कंक्लूजन क्या है कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए, बाइक खरीदनी चाहिए कि नहीं। मेरे तरफ से तो थम्स अप है, आप जा सकते हो, बट एक बेहतर कंक्लूजन जो है वो आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। सो गाइज राइड से हम लोग आ गए हैं वापस। आपको कैसे लगी ये बाइक? और डेली कम्यूट के हिसाब से मुझे लगता है कि ये परफेक्ट चॉइस है यहाँ पे। और इसके अलावा आप यहाँ पे प्लेटिना को कंसिडर कर सकते हैं, स्प्लेंडर आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, और इसी की स्टार सिटी जो कि बहुत पुराना ब्रांड है TVS का, बहुत पुराने टाइम से जो है वो यहाँ पर आ रही है, 2005-06 के आसपास जो है वो लॉन्च हुई थी, तब से वो बाइक जो है यहाँ पर आ रही है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाय द वे ये और स्टार सिटी जो है ना वो सेम इंजन ऑप्शन यूज़ करते हैं, इनफैक्ट पावर फिगर्स भी उनके सेम ही है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा। तो गाइज ये तो था एक क्विक रिव्यू, आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने वाले हो, और अपनी फेवरेट बाइक यहाँ पर मेंशन कीजिए ताकि उसका भी मैं रिव्यू कर पाऊँ, और जल्दी से एक और नई वीडियो के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके मेरे से बातें कर सकते हो। मिलते गाइज एक और नई वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।